वाराणसी, जिसे इंडिया का स्पिरिचुअल कैपिटल भी कहा जाता है। वाराणसी, काशी, बनारस, ये तीनों एक ही सिटी के नाम हैं, जिसमें वाराणसी का नाम दो नदियां वरुणा और अस्सी नाम से मिलकर बना है। काशी इस शहर का सबसे पुराना नाम है, जो संस्कृत शब्द काश्या से ओरिजिनेट हुआ है, जिसका मतलब है चमकना। और बनारस, पाली भाषा में वाराणसी नाम को बारानासी लिखा जाता था, जिससे इसका नाम बनारस पड़ा। प्रेम के लिए काशी से खूबसूरत क्या है? काशी तो वो है जहां महादेव ने सती के प्रेम की प्रतीक्षा की थी। वो काशी जिसने 108 जन्मों की साधना तक सती को पार्वती के रूप में सृजित होते देखा। काशी जहां महादेव ने सिर्फ प्रेम सिखाया नहीं, बल्कि जिया भी। काशी जहां संपूर्ण महादेव का नाम भी पार्वती के बिना अधूरा है। तभी तो काशी में सिर्फ महादेव नहीं कहते, कहते हैं ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। वाराणसी भारत की सबसे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राजधानी है, जो एशिया के सबसे बड़े रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए फेमस है। लोग अक्सर वाराणसी को मंदिरों का शहर, भारत की धार्मिक राजधानी, रोशनी का शहर, शास्त्रीय संगीत का शहर, शिक्षा का शहर और इस पृथ्वी पर सबसे ओल्डेस्ट लिविंग सिटी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वाराणसी अपनी संस्कृति, परंपरा, दर्शनीय स्थलों, आकर्षण स्थानों, यहाँ के सुंदर घाट, मेलों, त्योहारों और मंदिरों के लिए पूरे भारत में काफी प्रसिद्ध है। वाराणसी में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग भी है, जो काफी पवित्र माना जाता है। दोस्तों, काशी सबसे पवित्र नगरी मानी जाती है। कहते हैं जो व्यक्ति वाराणसी में मरता है, उसे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है और अंत में वह भगवान शिव से मिल जाता है। चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप अपनी वाराणसी की ट्रिप कैसे प्लान कर सकते हैं, आप यहाँ कैसे पहुंच सकते हैं, कहाँ आपको स्टे करना चाहिए और कौन कौन से दर्शनीय स्थल है जहाँ आपको जरूर विजिट करना चाहिए। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वाराणसी भारत के उत्तर प्रदेश स्टेट में पवित्र नदी गंगा के तट पर स्थित है। ये शहर लखनऊ से 320 किलोमीटर, वही दिल्ली से 850 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ बाय रोड, रेलवे, फ्लाइट से काफी इजिली पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, अगर बाय रोड बात करें तो वाराणसी मेजर सिटीज जैसे आगरा, कोलकाता, लखनऊ, दिल्ली इत्यादि से काफी अच्छा कनेक्टेड है। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो आप आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पकड़कर 10 से 12 घंटे में वाराणसी पहुंच जाएंगे। अगर आप बाय रेलवे आना चाहते हैं तो वाराणसी में वाराणसी रेलवे जंक्शन या काशी रेलवे स्टेशन, इन दो स्टेशन पर आप पहुंच सकते हैं। ये दोनों रेलवे स्टेशन एक दूसरे से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर हैं। बाय एयरवे आप वाराणसी एयरपोर्ट भी पहुंच सकते हैं, जो लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है और वाराणसी से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां से आप टैक्सी पकड़कर 500 से 1000 रुपए के बीच में वाराणसी पहुंच सकते हैं। अब जानते हैं वाराणसी आपको कब विजिट करना चाहिए। दोस्तों, वाराणसी विजिट करने का सबसे अच्छा टाइम अक्टूबर महीने से लेके तो फरवरी महीने तक का रहता है, यानी विंटर्स में आप यहाँ विजिट कर सकते हैं। यहाँ की ठंड में इस शहर को एक्सप्लोर करने का मजा कुछ और ही है। वाराणसी तो पहुंच गए, लेकिन अब सवाल है वाराणसी में स्टे कहाँ करें। वाराणसी में आपको काफी सारी बजटेड होटल्स मिल जाएगी। अगर सस्ते ऑप्शंस की बात करें तो गोदोलिया में काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास आप काफी सारे धर्मशाला में 200 से 300 रुपए देकर वन डे स्टे कर सकते हैं। उसी एरिया में आपको 500 से 2000 तक और भी अच्छी होटल्स भी मिल जाएगी। मैंने मेरा स्टे होटल सेंट्रल रेसिडेंसी में किया। ये होटल काशी विश्वनाथ मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर था। इसके मुझे देने पड़े 2000 रुपीस पर नाइट के। ये होटल काफी क्लीन था, रूम सर्विस और फैसिलिटीज भी काफी अच्छी थी, तो अगर आप चाहे तो इस होटल को भी ऑप्ट कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं वाराणसी आपको कितने दिनों के लिए विजिट करना चाहिए। दोस्तों, आप चाहे तो वाराणसी एक दिन में काशी विश्वनाथ मंदिर विजिट करके और यहाँ के घाट, गंगा आरती देखकर वापस जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस शहर को अच्छे से जानना है तो 3 डेज मिनिमम रिक्वायर्ड है। और अगर वाराणसी में साइट सीइंग की बात करें तो आप यहाँ ऑटो, साइकिल रिक्शा, हाथ टांगा, इलेक्ट्रिक ऑटो भी हायर करके घूम सकते हैं। आप चाहे तो 4-व्हीलर भी हायर कर सकते हैं पर डे के बेसिस पे, जिसका कॉस्ट 1.5 से 2 हजार तक के रह सकता है। चलिए अब समय है वाराणसी को एक्सप्लोर करने का। डे 1 की शुरुआत आप वाराणसी के घाट से कर सकते हो।
वाराणसी गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है और ये घाट नदी के किनारों की सीढ़ियां हैं जो गंगा नदी के तट तक जाती है। ऐसे यहाँ कुल 84 से भी ज्यादा घाट हैं। अधिकांश घाट स्नान और पूजा करने के लिए, जबकि दो घाट मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट विशेष रूप से दाह संस्कार के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये सभी घाट गंगा नदी के अराउंड 6.5 किलोमीटर तक हैं, जो हाफ मून शेप में है और आप बिना किसी रुकावट के बहुत आसानी से एक घाट से दूसरे घाट पैदल भी चलकर जा सकते हैं और प्रत्येक घाट के साथ कोई ना कोई पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। 84 घाटों में से 5 घाट काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जैसे कि 80 घाट, दशाश्वमेध घाट, मणिकर्णिका घाट, पंचगंगा घाट और आदि केशव घाट। तो अगर आप सारे घाट ना भी घूम पाए तो आप ये 5 घाट जरूर जाएं। चलिए चलते हैं पंचगंगा घाट, जहां आप गंगा में डुबकी लगाकर काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करने जा सकते हैं। आप चाहे तो दशाश्वमेध घाट में भी डुबकी लगा सकते हैं। पंचगंगा घाट को 5 नदियों का मिलन स्थल माना जाता है, जो है गंगा, यमुना, सरस्वती, किरण और दीपप्पा। हालांकि आज केवल गंगा ही यहाँ दिखाई देती है। इस घाट पर आपको कई सारे मंदिर और काफी सारी देवी देवताओं की मूर्तियां दिखाई देगी। कई भक्त मोक्ष प्राप्ति के लिए इस घाट पर पवित्र स्नान करने आते हैं। कार्तिक माह मतलब अक्टूबर और नवंबर के दौरान इस घाट पर स्नान करना विशेष रूप से बहुत शुभ माना जाता है। पवित्र स्नान करने के बाद आप काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के लिए निकल सकते हैं। ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए आप विश्वनाथ गली या फिर गंगा द्वार से जाकर भी दर्शन कर सकते हैं। विश्वनाथ गली वाराणसी के सबसे पुरानी और व्यस्त सड़कों में से एक है। इस पतली गली से 15 मिनट चलकर मंदिर पहुँचा जा सकता है। इस गली में आपको कई सारी दुकानें जहां आप फूल, माला, प्रसाद इत्यादि चीजें खरीद सकते हैं और अपने जूते, चप्पल, मोबाइल इत्यादि चीजें इनके पास रखकर मंदिर में दर्शन लेने जा सकते हैं। मंदिर में मोबाइल या वीडियो कैमरा अलाउड नहीं है दोस्तों, क्योंकि वाराणसी का पौराणिक नाम काशी है, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग को काशी विश्वनाथ कहते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना की पौराणिक कथा कुछ इस प्रकार है। भगवान शिव तथा माता सती के विवाह के पश्चात एक बार दोनों गगन विहार के लिए निकले। गगन विहार करते करते माता सती महादेव से एक ऐसे आनंद कानंद अर्थात आनंद वन का निर्माण करने के लिए कहती है, जो ब्रह्मा जी की सृष्टि से अलग हो, अलौकिक हो और जहां वे महादेव के साथ कुछ समय के लिए एकांत वास कर सके। तब महादेव माता सती की इच्छा पूर्ण करने के लिए ब्रह्मा जी की सृष्टि से अलग आकाश में एक 5 कोस लंबे चौड़े आनंद कानन का निर्माण करते हैं। वह वन अत्यंत सुंदर एवं अलौकिक था और महादेव माता सती के साथ उस आनंद कानन का विहार करने लगे। माता सती को उस आनंद कानन में परमानंद की प्राप्ति हुई तथा माता ने महादेव से कहा कि वह चाहती है कि यह परमानंद दुखों से मुक्ति चाहने वाले प्रत्येक प्राणी को प्राप्त हो। तब भगवान महादेव कहते हैं कि देवी, आप समस्त संसार की माता हो, इसीलिए आपके मन में जन कल्याण की भावना का होना स्वाभाविक है। मैं आपकी ये इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। तब भगवान महादेव श्री विष्णु जी को वह उस आनंद वन में तपस्या करने के लिए कहते हैं, ताकि उनकी तपस्या से उस क्षेत्र में तप, ज्ञान और भक्ति का प्रसार हो और वह क्षेत्र दुखों से पीड़ित प्राणियों के लिए मुक्ति का केंद्र बन सके। उसी क्षेत्र में भगवान श्री विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से एक कुंड बनाया और कई हजार वर्ष तक वहां तपस्या की। तपस्या करते करते भगवान श्री विष्णु जी का पसीना बहने लगा और ये पसीना तपस्या के साथ साथ और बढ़ने लगा और जल ग्रहण करके उस कुंड में भरने लगा। भगवान श्री विष्णु जी की तपस्या से उस आनंद कानन पुण्य एवं पवित्र क्षेत्र में तप, ज्ञान तथा भक्ति की स्थापना हुई। भगवान श्री विष्णु जी के शरीर से पसीने की अनेक जल धाराएं फूट पड़ी, जिसके कारण उस पवित्र क्षेत्र सहित समस्त आकाश भी जल में व्याप्त हो गया। यह देखकर भगवान शिव उस पंचकोसी क्षेत्र को अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं। भगवान विष्णु तपस्या पूर्ण होने पर भाव विभोर होकर जब अपना सिर हिलाते हैं तो उनके कान में से एक कर्ण फूल उस कुंड में गिर जाता है, जो मणिकर्णिका कुंड के नाम से आज भी काशी में स्थित है। भगवान महादेव माता सती की इच्छा से उस पंचकोशी क्षेत्र को पृथ्वी पर स्थापित कर देते हैं। वही क्षेत्र आज काशी अथवा वाराणसी के नाम से प्रसिद्ध है। तब भगवान श्री विष्णु महादेव से प्रार्थना करते हैं कि हे महादेव,
जब तक आप दोनों यहाँ संयुक्त रूप से निवास नहीं करेंगे तब तक यह काशी नगरी सूनी रहेगी। तब भगवान महादेव तथा माता सती दोनों वहाँ संयुक्त रूप से शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए और यह शिवलिंग श्री विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हुआ। महादेव तथा माता सती की ज्योति से आलोकित काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग सतयुग से कलयुग तक अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करता रहा है। दोस्तों, यह थी काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की पौराणिक कथा। काशी भगवान महादेव की सबसे प्रिय नगरी है। इसे भगवान महादेव तथा माता पार्वती का निवास स्थान भी कहा जाता है। पुराणों में वर्णित है कि प्रलय काल में भी काशी का कोई विनाश नहीं होता, क्योंकि काशी को भगवान महादेव अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और सृष्टि काल आने पर उन्हें पृथ्वी पर स्थापित करते हैं। इसी कारण काशी को अविनाशी नगरी भी कहा जाता है। प्राचीन काल से ही मुक्ति पाने के लिए लोग काशी में जाकर प्राण त्यागते हैं, क्योंकि पुराणों में वर्णित है कि स्वयं भगवान भोलेनाथ मरते हुए प्राणी के कान में तारक मंत्र का उपदेश करते हैं, जिससे वह प्राणी आवागमन से छूट जाता है। वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर जी द्वारा 1780 में करवाया गया था। बाद में महाराजा रणजीत सिंह जी ने 1857 में इस मंदिर को 1000 किलो सोने से मढ़वाया था। इसी कारण इसे स्वर्ण मंदिर भी कहते हैं। मंदिर के पास ही एक ज्ञानवापी कुआ है। मान्यता है कि ये कुआ स्वयं भगवान महादेव ने अपने त्रिशूल से खोदा था। इस कुएं का जल पीने से मनुष्य को ज्ञान, भक्ति तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है। मंदिर में आरती के टाइमिंग्स कुछ इस प्रकार है। मंदिर की वास्तुकला नागर शैली का एक अच्छा उदाहरण है, जो अपने विशाल शिखर और जटिल नकाशीदार पत्थर को दर्शाता है। मुख्य मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विश्वनाथ का प्रतिष्ठित ज्योतिर्लिंग है। मंदिर के परिसर में काल भैरव, कार्तिकेय, अविमुक्तेश्वर, भगवान विष्णु, गणेश, शनि और पार्वती का मंदिर भी है। साथ ही साथ आप अन्नपूर्णा माता के भी दर्शन कर सकते हैं और मंदिर के परिसर से 50 मीटर दूर आप काशी अन्नपूर्णा भोजनालय में जाकर प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर आप काल भैरव मंदिर जा सकते हैं। कहते हैं पूरे काशी शहर की जिम्मेदारी भगवान काल भैरव के हाथों में है। काल भैरव को काशी का कोतवाल भी कहा जाता है। इनके दर्शन किए बिना काशी विश्वनाथ का दर्शन अधूरा माना जाता है। काल भैरव मंदिर से 5 से 10 मिनट की दूरी पर है महामृत्युंजय मंदिर। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर का इतिहास एक प्राचीन कुएं और शिवलिंग से जुड़ा है। मृत्युंजय महादेव शब्द का अर्थ है मृत्यु पर विजय पाने वाले भगवान। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में मौजूद शिवलिंग सभी भक्तों को उनकी अननेचुरल डेथ से दूर रखता है। इसी अननेचुरल डेथ पर विजय पाने के लिए भक्तों द्वारा भगवान शिव को मृत्युंजय महादेव के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर में कई सारे शिवलिंग आपको देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ एक प्राचीन कुआं भी है। माना जाता है कि इसका पानी पीने से कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं। इस चमत्कारी कुएं के पीछे कहानी ये है कि आयुर्वेद के पिता धन्वंतरी ने अपनी सारी औषधियां इस कुएं में डाल दी थी। यही कारण है कि इस कुएं का पानी काफी पवित्र है और मेडिसिनल इफेक्ट के साथ ये काफी सारे डिजीज को क्योर करने में कैपेबल है और यहाँ दूर दूर से लोग इस कुएं का पानी पीने आते हैं। तो अगर आप वाराणसी जा रहे हैं तो इस महामृत्युंजय मंदिर को विजिट करना और इस कुएं का पानी पीना ना भूलें। इस मंदिर के बाद आप शाम के समय पर रत्नेश्वर महादेव मंदिर देखने जा सकते हैं, जिसे काशी करवट या लीनिंग टेम्पल भी कहा जाता है, जो मणिकर्णिका घाट से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। कहने को तो वाराणसी में कई मंदिर है, लेकिन रत्नेश्वर मंदिर जैसा कोई मंदिर नहीं है। दोस्तों, बाकी मंदिरों के अलावा ये मंदिर तिरछा खड़ा हुआ है। इस मंदिर को देखकर इटली के पीसा टावर की याद आती है। दरअसल ये मंदिर इटली के पीसा टावर से भी ज्यादा झुका हुआ है। पीसा टावर 4 डिग्री झुका हुआ है, वही रत्नेश्वर महादेव मंदिर लगभग 9 डिग्री झुका हुआ है। वाराणसी का रत्नेश्वर मंदिर महादेव को समर्पित है। इसे वाराणसी का झुका मंदिर या काशी करवट के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर मणिकर्णिका घाट और सिंधिया घाट के बीच में स्थित है। वैसे तो ये मंदिर साल के ज्यादातर समय गंगा नदी के पानी में डूबा रहता है। मंदिर का निर्माण 18वीं सदी में हुआ था। ये मंदिर क्यों झुका है, इसके पीछे कई सारी कहानियां बताई जाती हैं। उनमें से एक कहानी ये है कि ये मंदिर राजा मानसिंह के एक सेवक ने अपनी माँ रत्नाबाई के लिए बनवाया था।
मंदिर बढ़ने के बाद उस व्यक्ति ने गर्व से घोषणा की कि उसने अपनी माफा खर्चा चुका दिया है। जैसे ही सेवक ने ये घोषणा की, मंदिर पीछे की तरफ झुकने लगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि माँ का खर्च कभी भी चुकाया नहीं जा सकता। इस मंदिर में कभी कोई पूजा पाठ नहीं की जाती, क्योंकि लोगों का मानना है कि ये मंदिर श्रापित है और यहाँ पूजा करने से उनके घर में कुछ बुरा हो सकता है। मंदिर की वास्तुकला के बारे में बात करें तो इसका निर्माण शास्त्रीय शैली में नगर, शिखर और फामसाम मंडप के साथ किया गया है। ये मंदिर पूरे विश्व में काफी प्रसिद्ध है, इसीलिए देश विदेश से कई लोग इस मंदिर को देखने आते हैं। तो अगर आप भी वाराणसी आ रहे हैं तो करवट काशी को विजिट करना ना भूलें। दोस्तों, इसके बाद आप मणिकर्णिका घाट जा सकते हैं। मणिकर्णिका घाट वाराणसी के सबसे पुराने घाटों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि अगर यहाँ किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है तो उसे तुरंत मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस घाट पर चिता की अग्नि कभी ठंडी नहीं होती, यानी यहाँ 2400 घंटे आपको चिता जलती हुई दिखाई देगी। यहाँ के लोगों का मानना है कि इस घाट में जिस दिन चिताएं जलनी बंद हो जाएगी, उस दिन वाराणसी के लिए प्रलय का दिन होगा। दोस्तों, मणिकर्णिका घाट की कई सारी पौराणिक कथाएं बताई जाती हैं। उनमें से एक यह है कि शिव कथा के अनुसार अनादि काल में जब काशी का नाम आनंदवन हुआ करता था, उस समय भगवान शंकर माता पार्वती के साथ यहाँ भ्रमण के लिए आए थे और भगवान विष्णु द्वारा निर्मित कुंड, जिसे मणिकर्णिका कुंड कहा जाता है, वहाँ माता पार्वती ने स्नान किया। स्नान के समय माता पार्वती का कुंडल इसमें गिर गया था, जिसे कल्लू नाम के एक ब्राह्मण महाराज ने उठा लिया। भगवान शंकर के क्रोधित होने के बावजूद कल्लू ने कुंडल के बारे में नहीं बताया। यह देख भगवान शंकर ने कल्लू और उसके आने वाली सभी पीढ़ियों को चंडाल होने का श्राप दे दिया। उसी दिन ये ब्राह्मण डोम बना और तब से ये डोम चिताओं को अग्नि देने लगे। आज उसी कल्लू डोम के 300 से ज्यादा परिवार हैं और हर परिवार का पुरुष सदस्य चिताओं को अग्नि देने का काम करता है। दूसरी कथा के अनुसार कहते हैं कि यहाँ पर माता सती के कान के कुंडल गिरे थे, इसीलिए इसका नाम मणिकर्णिका है। यहाँ पर माता का शक्तिपीठ भी स्थापित है। ये भी कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ जी द्वारा यहीं पर माता सती जी का अंतिम संस्कार किया गया था। इसी कारण इस घाट को महाशमशान घाट भी कहा जाता है। हर साल देश विदेश से कई टूरिस्ट इस घाट को विजिट करने आते हैं। दोस्तों, इस घाट को विजिट करने के बाद मुझे संत कबीर का ये दोहा याद आ गया। पीर मरे पैगंबर मरी गए, मर गए जिंदा जोगी, राजा मरी गई प्रजा मरी गई बैद और रोगी, ये मुर्दों का गाँव साधो, ये मुर्दों का गाँव। मणिकर्णिका घाट से 5 मिनट की दूरी पर है दशाश्वमेध घाट। धार्मिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से दशाश्वमेध घाट काशी के सबसे प्रसिद्ध घाटों में से एक है। इस घाट से जुड़ी 2 पौराणिक कथाएं हैं। एक मान्यता के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने 10 अश्वमेध यज्ञ करने के लिए 10 घोड़ों की बलि दी थी, इसीलिए घोड़ों की याद में इस घाट का नाम दशाश्वमेध घाट रखा गया। एक अन्य मान्यता के अनुसार इस घाट का निर्माण भगवान ब्रह्मा ने पृथ्वी पर भगवान शिव के स्वागत के लिए किया था। दोस्तों, दशाश्वमेध घाट अपने गंगा आरती के लिए काफी प्रसिद्ध है, जो गर्मियों में शाम 7 बजे वही ठंड में शाम 6 बजे स्टार्ट होती है। लोग यहाँ आरती स्टार्ट होने के पहले ही अपनी सीट संभाल लेते हैं। दशाश्वमेध घाट शाम के समय और भी सुंदर दिखता है, जब गंगा आरती भगवान शिव, सूर्य, अग्नि और गंगा नदी के समर्पण के रूप में की जाती है। ये आरती पुजारियों के एक समूह द्वारा की जाती है। इस आरती के दौरान आप इस स्थान की पवित्रता और आध्यात्मिकता का एहसास कर सकते हैं। आप इस अद्भुत नज़ारे का आनंद यहाँ की गंगा नदी में तैरती नाव पर बैठकर भी ले सकते हैं, जिसका चार्ज 50 से 100 रुपये तक रहता है। ये आरती लगभग 45 मिनट तक चलती है। पुजारियों के बीच शंखनाद, घंटी, डमरू की आवाज और माँ गंगा के जयकारे के बीच गंगा की आरती होती है। आरती की पहचान पूरी दुनिया में है, जहाँ फॉरेन टूरिस्ट कई जगहों से इसकी एक झलक पाने के लिए यहाँ आते हैं। स्वर्ग से सुंदर काशी की हर शाम है। गंगा आरती को देखकर ऐसा लगता है मानो जैसे इस आरती में सारे देव खुद विराजमान हैं।
तो दोस्तों डे वन की शाम आप दशाश्वमेध घाट और गंगा आरती के लिए जरूर रिजर्व रखें। काशी में देव दीपावली काफी फेमस है, जो दिवाली के 15 दिन बाद कार्तिक पूर्णिमा पर मनाई जाती है। कहा जाता है कि त्रिपुरासुर दानक को इस दिन देवताओं द्वारा मारा गया था, तो यह देव दीपावली के रूप में नामित किया गया और कार्तिक पूर्णिमा देवताओं की विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर काशी और सभी घाटों पर दिए लगाए जाते हैं, जिसे देखने कई लोग दूर दूर से आते हैं और इन दियों से काशी एकदम जगमगा उठती है। तो दोस्तों अगर आप काशी आने का प्लान कर रहे हैं तो आप देव दीपावली के दौरान भी यहाँ आ सकते हैं। देवन की रात वाराणसी में आप यहाँ के स्ट्रीट फूड को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि कचौड़ी सब्जी, छोला समोसा, लस्सी, टमाटर चाट, मलाइयो, दही के बताशे, ठंडाई और भी बहुत कुछ। और हाँ, यहाँ के बनारसिया पान तो ऐसा है जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। वाराणसी के कुछ फेमस कैफेज, रेस्टोरेंट और स्ट्रीट फूड की लिस्ट कुछ इस प्रकार है, जो आप ट्राई कर सकते हैं। डे टू की शुरुआत आप 80 घाट से कर सकते हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में 80 घाट एक ऐसी जगह है जिसका पौराणिक महत्व है। इस घाट में बड़े पीपल के पेड़ के नीचे शिव स्थान है। 80 घाट को वाराणसी का दिल भी कहते हैं, जहां यहां लोग सनराइज और सनसेट देखने के लिए आते हैं। 80 घाट पर सुबह हर दिन 5 बजे गंगा आरती होती है, जिसे काफी लोग देखने आते हैं। ये आरती शाम को 6 बजे भी होती है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार 80 घाट की उत्पत्ति तब हुई थी जब देवी ने एक राक्षस को मारने के बाद अपनी तलवार को गंगा नदी में फेंक दिया था। वह स्थान जहां माँ दुर्गा खड़ी हुई थी, वहां घाट बन गया, जो बाद में 80 घाट के नाम से जाना गया। घाट के आसपास आपको काफी सारे खाने पीने की दुकानें मिल जाएगी। लोग अक्सर सुबह आकर गंगा आरती करने के बाद यहाँ बोट राइड करना पसंद करते हैं। बोट राइड के चार्ज 100 से तो 200 के बीच रहते हैं, जहाँ आपको 2 घंटे बोट में बिठाकर सभी घाटों को बोट के माध्यम से दिखाते हैं और फिर नदी के पार आप सैंड ड्यून्स में कैमल राइड और अदर एडवेंचर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। यहाँ आप चाहे तो कैंपिंग में नाइट स्टे भी कर सकते हैं। कैंपिंग के लिए आप टेंट सिटी वाराणसी गूगल पर सर्च करके ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ हर साल न्यू ईयर मतलब जनवरी मंथ में हॉट एयर बलून फेस्टिवल भी होता है, जिसमें कई फॉरेन पायलट्स हॉट एयर बलून फ्लाई करते हैं। आप इसके चार्जेस एंड टाइमिंग इस दिए हुए वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। अस्सी घाट और बोट राइडिंग के बाद आप संकट मोचन हनुमान मंदिर जा सकते हैं, जो 80 घाट से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। काशी के संकट मोचन मंदिर का इतिहास 400 साल पुराना है। मंदिर की स्थापना गोस्वामी तुलसीदास जी ने कराई थी। मान्यता है कि जब वे काशी में रहकर रामचरितमानस लिख रहे थे, तब उनके प्रेरणा स्रोत संकट मोचन हनुमान थे। इसी मंदिर में हनुमान जी ने तुलसीदास जी को दर्शन दिए थे, जिसके बाद बजरंगबली मिट्टी का स्वरूप धारण कर यही स्थापित हो गए। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले भक्तों के सभी कष्ट हनुमान के दर्शन मात्र से ही दूर हो जाते हैं। मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति है और साथ ही साथ आपको यहाँ भगवान राम, लक्ष्मण और देवी सीता की भी मूर्ति देखने को मिलेगी। ये मंदिर सुबह 5 बजे से तो रात के 10 बजे तक ओपन रहता है, जहाँ काफी भारी मात्रा में भक्त दर्शन लेने आते हैं। संकट मोचन मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर आप न्यू विश्वनाथ मंदिर जा सकते हैं, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के कैंपस में लोकेटेड है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और वाराणसी का एक बिगेस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन है। इस मंदिर को बिरला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जिसका निर्माण बिरला परिवार द्वारा किया गया था। इतिहास के अनुसार पंडित मदन मोहन मालवीय ने PHU के परिसर में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का रेप्लिका बनाने की योजना की थी और फिर बिरला परिवार ने इसका निर्माण करवाया, जो 1966 में बनकर तैयार हुआ। मंदिर का स्ट्रक्चर काशी विश्वनाथ मंदिर के जैसा ही है। इसे संगमरमर से बनाया गया है। मंदिर की ऊंचाई 253 फीट है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा टावर है। मंदिर की दीवारें हिंदू देवी देवताओं की शानदार मूर्तियों से सजी है। मंदिर के टाइमिंग्स सुबह 4 से तो रात के 9 बजे तक ये ओपन रहता है, जहां शिवरात्रि, नवरात्रि, जन्माष्टमी और दीपावली के दिन यहां काफी भारी मात्रा में भीड़ रहती है। तो आप जब कभी वाराणसी आए तो इस मंदिर में जरूर विजिट करें। न्यू काशी विश्वनाथ मंदिर के बाद आप भारत माता मंदिर जा सकते हैं, जो 7 किलोमीटर की दूरी पर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कैंपस में लोकेटेड है। ये मंदिर सुबह 9:30 बजे से तो रात के 8 बजे तक ओपन रहता है। भारत माता मंदिर काफी अनोखा है।
इसकी जमीन पर भारत का काफी बड़ा मैप है जो सभी देवताओं, स्वतंत्र सेनानियों, पहाड़, मैदान और महासागरों को दर्शाता है। आपको जान के हैरानी होगी, इस मंदिर में किसी देवी देवता का कोई भी चित्र या मूर्ति नहीं है, बल्कि ये मंदिर भारत माता यानी मदर इंडिया को समर्पित है। मंदिर का निर्माण डॉक्टर शिव प्रसाद गुप्ता ने कराया था और इसका उद्घाटन 1936 में गांधी जी द्वारा किया गया। भारत माता मंदिर देखने के बाद मुझे यहाँ पार्क में काफी सारा कचरा दिखाई दिया, तो दोस्तों सोचना क्या था, मैंने डिसाइड किया क्यों ना ये सब कचरा यहाँ से क्लीन किया जाए। आशा करता हूँ आप सभी भी एक रिस्पॉन्सिबल ट्रेवलर है जो अपना कचरा यहाँ वहाँ ना फेंक कर बल्कि इसको उसकी राइट प्लेस यानी डस्टबिन में डंप करते हैं। मैंने यहाँ से ये ट्रैश कलेक्ट किया और इसको इसकी राइट प्लेस यानी डस्टबिन में डंप किया। डे 3 की शुरुआत आप रामनगर फोर्ट से कर सकते हैं जो वाराणसी से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पार्किंग की अच्छी स्पेस है। फोर्ट में म्यूजियम की एंट्री टिकट 20 रुपए है और टाइमिंग सुबह 9:30 से तो 5:30 तक ही ओपन रहता है। इस किले का निर्माण 1750 में काशी नरेश बलवंत सिंह ने करवाया था। किले को रेड सैंडस्टोन से बनाया गया है। किले के अंदर एक मंदिर है जो वेद व्यास को समर्पित है जिन्होंने महाभारत लिखी थी। किले में एक म्यूजियम भी है जिसमें आप शाही परिवार द्वारा यूज की गई पुरानी कारें, पालकी, तलवारें, पुरानी बंदूक तथा प्राचीन घड़ियों को देख सकते हैं। किले में अन्य मंदिर जैसे दुर्गा मंदिर, छिन्न मस्तिका मंदिर और दक्षिण मुखी हनुमान का मंदिर भी है। दशहरे के टाइम पर इस किले को शानदार तरीके से सजाया जाता है। आप इस किले में 2 से 3 घंटा आराम से स्पेंड कर सकते हैं। रामनगर फोर्ट से 14 किलोमीटर दूर आप सारनाथ जाकर धमक स्तूपा विजिट कर सकते हैं। धमक स्तूपा ये आर्कियोलॉजिकल साइट है जो सारनाथ में लोकेटेड है। यहाँ एंट्री फीस 5 रुपए और टाइमिंग सनराइज टू सनसेट ही ओपन रहता है। ये वही स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपने पहले 5 शिष्यों को अपना पहला उपदेश दिया था। ओरिजिनली इस स्तूपा का निर्माण 249 BC मौर्य राजवंश के राजा अशोक के शासनकाल के दौरान किया गया था। स्तूपा को लाल पत्थर से बनाया गया है जिसकी ऊंचाई 43 मीटर से भी ज्यादा है। दुनिया भर से बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स इस पवित्र स्तूपा की परिक्रमा करने और भगवान बुद्ध की पूजा करने के लिए यहाँ आते हैं। इस स्तूपा और यहाँ के गार्डन में आप आराम से 1 से 2 घंटा अपना स्पेंड कर सकते हैं और फिर उसी से 5 मिनट की दूरी पर श्री दिगंबर जैन मंदिर जा सकते हैं। सारनाथ में जैन मंदिर देश के सबसे प्रतिष्ठित जैन मंदिरों में से एक है। इसका निर्माण 1824 में हुआ था और कहा जाता है कि ये उस स्थान पर स्थित है जहाँ 11वें जैन तीर्थंकर श्रेयांशनाथ का जन्म हुआ था। दिगंबर जैन मंदिर के बाद आप चौखंडी स्तूपा देखने जा सकते हैं जो 10 मिनट की दूरी पर है। चौखंडी को सीता रसोई भी कहते हैं। ये चौखंडी स्तूपा एक बुद्धिस्ट स्तूपा है और बुद्ध के अवशेषों के लिए एक मंदिर के रूप में काम करते हैं। चौखंडी स्तूपा से 2 किलोमीटर की दूरी पर आप थाई टेंपल विजिट कर सकते हैं। यहाँ एंट्री फ्री है और सनराइज टू सनसेट ये ओपन रहता है। थाई टेंपल का निर्माण 1993 में थाई डिग्निटरीज द्वारा करवाया गया था। यहाँ भगवान बुद्धा की 80 फीट टॉल एक मूर्ति है जो काफी सुंदर है। टेंपल में गार्डन है और अन्य बुद्ध टेंपल और मूर्तियां हैं जहां आप आराम से 1 से 2 घंटा अपना स्पेंड कर सकते हैं। इसी तरह टेंपल से 10 मिनट की दूरी पर आप मूलगंध कुटी विहारा जा सकते हैं। दोस्तों इतिहास और आध्यात्मिकता से भरपूर मूलगंध कुटी विहार सारनाथ के प्रमुख बौद्ध स्थलों में से एक है जिसका निर्माण 1931 में हुआ था। यहाँ एक मठ है और मंदिर है जो मूलगंध कुटी विहार की याद में है। ये बुद्ध मंदिर अपनी आर्किटेक्चरल डिजाइन के लिए जाना जाता है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा आप वाराणसी में दुर्गा मंदिर, तुलसी मानस मंदिर और चुनार फोर्ट भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। वैसे तो वाराणसी एक्सप्लोर करने के लिए 1 महीना भी कम है, लेकिन कुछ इस प्रकार मैंने 3 से 4 दिन में वाराणसी को एक्सप्लोर किया। इस ट्रिप में मेरा कुल खर्चा कुछ इस प्रकार आया। दोस्तों अगर आपको वाराणसी ट्रिप से लेके कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी कमेंट का जरूर रिप्लाई दूंगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव ट्रैवल ब्लॉग्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय। हर हर महादेव।